ये गाड़ी के आगे अचानक गाय आने के कारण हुई है जी। तो लगभग किस समय हुई है जी ये? करीब शाम को 8:15 बजे का टाइम था जी। और ये रहने वाले कहाँ के थे जी सारे? ये अजराना खुर्द में गुरुद्वारा साहिब में रहते थे जी। और लगभग 5 हैं जी, 5 वहाँ के या अलग अलग एरिया से आते थे? अलग अलग के हैं जी, 3 वहाँ के हैं, 2 कहीं के हैं जी। अच्छा। ये संगत में रहते थे वहाँ गुरुद्वारा साहिब में। बहुत भयानक एक्सीडेंट था, मतलब देखने के बाद वहाँ पे बंदे को समझ नहीं आती। मौके पे SHO साहब पहुँचे हैं, इन्होंने जाके वहाँ से शव निकाले हैं। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि ट्रैक्टर से गाड़ी खींच के निकाली है। और सबसे बड़ा तो हम, चलो इनका सहयोग है कि बहुत जल्दी हमारे से भी पहले पहुँच गए, लेके आए हैं। इतना दुखदायक मंजिल था कि देखने समझ से पार हो गए। नहीं जी, ये आगे गाय आई है और गाय को बचाने के चक्कर में जैसे ही गाड़ी क्रॉस की है, आगे से सामने गाड़ी आ रही है। अच्छा, सामने सामने अचानक एकदम अचानक हादसा हुआ है। तो उस गाड़ी में भी वो भी जख्मी होंगे क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी है। बहुत ज़्यादा जख्मी, 2 लड़के हैं, वो बहुत जख्मी है, बहुत ज़्यादा। गाय बचाने के चक्कर में आमने सामने टक्कर, आमने सामने। वहाँ पे कहते हैं कि गाय का जो हादसे है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा है। मौके पे SHO साहब थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत करके निकाला। बड़ी वड्डी धक्का लगा जी। महापुरश बाबा वरिंदर सिंह जी संगतान के रोज़ विचरते हैं, तो जो समागम 28 तरीक न गुरु हरकृष्ण साहब जी का मनाना ही, उस वास्ते घर घर जाके चिट्ठिया दे रहे सन। उतों आद्या नाल 6 सेवक सन नाल, जिन्हों की मौके पर ही बाबा जी की नाल 4 सेवकों की डैथ हो चुकी है। कि एदू वड्डा परिवार को विछोड़ा, संगत को विछोड़ा, बड़ा वड्डा देखा नहीं जाता कि किस हालत के एक्सीडेंट इन्नी किस तरह होया है। बहुत ज़्यादा वड्डा धक्का लगा है, तो परिवार को धक्का है ही है। पहला छोटा वीर से एक, वह भी चढ़ाई कर गया सी एक्सीडेंट के, हुण रहिंदी हुंदी कसरे निकल गई।